अपने को आइडिया ऑफ इंडिया को बचाने के लिए आज किसान आंदोलन सबसे बड़ी ताकत है, और हम जय किसान आंदोलन के सिपाही जो 2015 से इस पे काम कर रहे हैं, हमारा इस वक्त एक ही लक्ष्य है, इस किसान आंदोलन को मजबूत करना, इसे राष्ट्रव्यापी करना, इसे सभी वर्गों तक। वाइटलूस 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका साथी मोहम्मद अनिसुर रहमान। जय किसान आंदोलन के द्वारा कोलकाता के प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जय किसान आंदोलन के लीडर योगेंद्र यादव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जय किसान आंदोलन 12 रियासतों में फैली हुई है और ये ऑल इंडिया किसानों की संस्था है। जय किसान आंदोलन पश्चिम बंगाल में किसानों की 3 बड़ी सभा करने जा रही है जिसका नाम महापंचायत रखा गया है। पहली महापंचायत 16 नवंबर को साउथ 24 परगना के कातुली ब्लॉक में और दूसरी सभा हुगली जिला के पंडुआ ब्लॉक में और 18 नवंबर को उत्तर दिनाजपुर जिला के गोल पोखर 1 ब्लॉक में होगी। इस अहम मौके पर योगेंद्र यादव के साथ जय किसान आंदोलन के राष्ट्रीय सभापति अभिषेक साहा, दीपक लांबा, परिवीर मिश्रा जैसे वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। देखो, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से विषय होच्छे जय किसान आंदोलन महापंचायत। এই মহাপঞ্চায়েত গতকাল থেকে শুরু হয়েছে। গতকাল কুলতলিতে মহাপঞ্চায়েত হয়েছে, হাজার কৃষকের মহাপঞ্চায়েত গতকাল হয়, আজকে হুগলিতে পান্ডুয়াতে আছে, আগামীকাল উত্তর দিনাজপুরের পাঞ্জিপাড়ায় আছে। জয় কিষাণ আন্দোলন কি সর্বভারতীয় কৃষক সংগঠন? 12টা রাজ্যে আমরা কাজ করি এবং আজকে আমাদের এখানে 12 রাজ্যেরই নেতৃত্ব প্রতিনিধি এই ফলে উপস্থিত আছে। এস আন্দোলন নে ও কুছ হাসিল কিয়া জো পিছলে 70 বর্ষ মে হাসিল নাই হুয়া। এস কিসান আন্দোলন নে কিসানো কো ও আত্ম সম্মান বাপিস লটায়া জো খতম হো গিয়া থা কিসান কা। এস কিসান আন্দোলন নে किसानों को उनकी राजनीतिक ताकत का एहसास करवाया जो किसान खुद भूल गए। इस आंदोलन ने किसानों में एकता पैदा की। आज किसान आंदोलन केवल 3 कानूनों को रद्द करने का आंदोलन नहीं है, वो तो है ही और उसमें सफलता मिले, लेकिन आज ये आंदोलन उससे कहीं आगे बढ़ गया। अब तो किसान आंदोलन मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए संघर्ष कर रहा है, डेथ सर्टिफिकेट लेना है बस उसके लिए संघर्ष है, लेकिन यह आंदोलन इससे कहीं आगे बढ़ चुका है। अब यह आंदोलन इस देश में प्रतिरोध, इस देश को तोड़ने की जो कोशिश हो रही है, इस देश में लोकतंत्र को समाप्त करने की जो कोशिश हो रही है, हमारे गणतंत्र को खत्म करने का जो प्रयास हो रहा है, उसके विरुद्ध प्रतिरोध का प्रतीक बन चुका है। आइडिया ऑफ इंडिया को बचाने के लिए आज किसान आंदोलन सबसे बड़ी ताकत है, और हम जय किसान आंदोलन के सिपाही जो 2015 से इस पे काम कर रहे हैं, हमारा इस वक्त एक ही लक्ष्य है, इस किसान आंदोलन को मजबूत करना, इसे राष्ट्रव्यापी करना, इसे सभी वर्गों तक ले जाना, और उस दिशा में बंगाल में किसान महापंचायतों का आयोजन होना और महिला किसानों के साथ पंचायतों का आयोजन होना एक बहुत ही शुभ लक्षण है जो कि पूरे देश के किसान आंदोलन को भविष्य की दिशा दिखाता है। बंगाल में कल हमारी 24 परगना जिले में कुलतली में महापंचायत हुई, आज हुगली जिले में कहाँ पंडुआ में महापंचायत है, और कल उत्तर दिनाजपुर में किशनगंज के बिल्कुल पास पाजीपाड़ा में हमारी महापंचायत है। इन महापंचायतों के जरिए हम देश भर के किसानों को जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये जो भ्रम फैलाया गया है कि सिर्फ दिल्ली पंजाब के किसान हैं, हरियाणा के किसान हैं, नहीं, पूरे देश का किसान पीड़ित है। बंगाल के किसान को धान की कीमत नहीं मिलती, धान का MSP केंद्र सरकार ने दिया है 1940 रुपीस, और कितना मिलता है कल हमने पूछा,
900 रुपया 1000 रुपया मिल रहा है यहाँ किसानों को। यही बात भुट्टा पे है। भुट्टा का किसान अब तो उसका MSP लगभग 2000 रुपये के करीब हो गया है और उसको मिलता है 1000 रुपया 1100 रुपया और प्रधानमंत्री कहते हैं MSP थी है रहेगी। इस झूठ का पर्दाफाश पूरे देश में करने की ज़रूरत है। और बंगाल का किसान जो छोटी जोत का किसान है उस किसान को इकट्ठा करना और इस राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना हमारा उद्देश्य है और उसी उद्देश्य को लेके इन 3 दिनों का हमारा बंगाल का कार्यक्रम है। इसके बाद हमारे साथियों की बंगाल के दूसरे जिलों में भी बांकुड़ा में भी और उत्तर चौबीस परगना में भी इसी तरह महापंचायतें आयोजित करने की योजना है। कई कार्यक्रम हम सोच रहे हैं जिससे पूरे देश के किसानों को इस किसान आंदोलन से जोड़ा जाए।